हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? सो हमने बेटा जी अपना यहाँ पे चैप्टर का टॉपिक ख़त्म किया था, एनिमल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम है बेटा जी प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हमने शुरुआत में एक लाइन बोली थी आपको कि नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो फास्ट होता है और वो सिर्फ एनिमल में होता है। एनिमल में सिर्फ पोरीफेरा वो फाइलम है जिसमें नर्वस सिस्टम ऑब्सेंट, उसके बाद जो भी आपके एनिमल है सबके अंदर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। मानते हैं उसका इवोल्यूशन होता है, अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पे, बट प्रेजेंट है नर्वस सिस्टम सबके अंदर एक्सेप्ट पोरीफेरा एनिमल। बट जब हम प्लांट की बात करते हैं तो हम प्लांट में बोलते हैं कि यस, यहाँ भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन तो होता होगा, बट ये होता कैसे है, इसे रेगुलेट कौन करता है? जैसे मैं कुछ बातें आपसे बोलूं, आप देखते हो जब हम एक प्लांट को लाइट देंगे डायरेक्शन में तो प्लांट जो होता है वो बैंड हो जाता है टुवर्ड द लाइट। या आपने एक बात को समझ के देखिएगा, जो जब एक सीड ग्रो होता है, जब एक सीड ग्रो होता है तो स्टेम आती है अगेंस्ट द ग्रेविटी और रूट जाती है टुवर्ड द ग्रेविटी। जो वाटर को लेकर अगर बातें करते हैं, वाटर की तरफ ग्रो होती है रूट और वाटर से अवे ग्रो होती है स्टेम। तो क्या है जो स्टेम और रूट की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है? और अगर डिफरेंट टाइप के सेल्स का वहां पे कंट्रोल किया जाए तो डेफिनेटली वहां पे कोई ना कोई तो क्या होगा, यहाँ पे एक कंट्रोल यूनिट तो बैठी होगी जो इनकी फंक्शन को रेगुलेट करती होगी, फंक्शन को कंट्रोल करती होगी, कोई तो होगा यहां भी। बट यहां नर्वस सिस्टम तो नहीं है, फिर यहां पे क्या है? तो हम कहेंगे यहां पे जो रिस्पॉन्स होती है ये मेनली ड्यू टू द केमिकल होता है। यहां भी सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है, यहां भी सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है, बट यहां सेल टू सेल कम्युनिकेशन करने के लिए या सेलों के फंक्शन को आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, कोई स्पेशलाइज्ड यहाँ पे टिश्यू नहीं है जो इनको कोऑर्डिनेट करता है। ये कोऑर्डिनेट करते हैं थ्रू द केमिकल्स, ये कोऑर्डिनेट करते हैं थ्रू द केमिकल्स। तो मैं कहूंगा इनके अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो होता है बेटा जी यहाँ पे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम जब प्लांट का केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे हम उनकी बातें करते हैं यहाँ पे आपके साथ में। तो चलिएगा शुरू करते हैं बेटा जी आज का अपना टॉपिक, टॉपिक का नाम है प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलिएगा बेटा मैं हेडिंग डाल देता हूं यहाँ पे आपके लिए अपना बेटा, जब टॉपिक शुरू होता है प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम यहां तीन चीजों को समझेंगे मेनली बेटा जी। किन तीन चीजों को समझेंगे? सबसे पहले बेटा हम समझेंगे यहां पे पहला टॉपिक अपना, टॉपिक का नाम होगा बेटा जी प्लांट मूवमेंट। अब ये क्या है? आप कुछ बच्चों के दिमाग में बात आएगी, सर प्लांट मूवमेंट, प्लांट तो स्टेबल है, प्लांट तो मूव कभी करते नहीं है, प्लांट तो जहां ग्रो कर रहा है वहीं के वहीं ग्रो कर रहा है, प्लांट तो मूव करते नहीं है, फिर आप किस प्लांट मूवमेंट की बात कर रहे हो? मैं कहूंगा यस यू आर राइट, प्लांट के अंदर मसल्स नहीं है कि भाई वो ऐसे हिलेगा डुलेगा चल के अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा। यू आर राइट एट योर प्लेस, वो सही बात आपकी यहां पे कि वो मूव नहीं करते, बट प्लांट के जो डिफरेंट ऑर्गन है वो मूवमेंट शो करते हैं, प्लांट के डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो मूवमेंट शो करते हैं। जैसे कि आपने जो पढ़ा है वो बातें कर लेते हैं, आपने कहा था सर स्टोमेटा एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू गैसेस चेंज होता है, तो स्टोमेटा की जो सेल्स है वो आपने कहा था सर जो गार्ड सेल है वो दिन में ओपन होती है और गैस का एक्सचेंज होता है वहां पे आपका और वाटर का लॉस होता है, बट इन द नाइट वो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। मतलब गार्ड सेल का यहां पे मूवमेंट हो रहा है, उनका एक मीन पोजीशन से उनका यहां पे चेंज हो रहा है, तो चेंज इन द शेप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल और ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर तो होता है ना प्लांट के अंदर। हम उस मूवमेंट की बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे प्लांट के डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रक्चर है वो मूव करते हैं, या मैं कहूंगा उनमें कैसा कैसा बेटा जी यहां पे आपका एक वर्ड को पहले समझिएगा, एक वर्ड होता है लोकोमोशन, एक वर्ड होता है मूवमेंट। मैं यहां लोकोमोशन वर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, कोई आपसे पूछे व्हाट डू मीन बाय लोकोमोशन तो आप ही कहोगे एनी मूवमेंट दैट चेंज द लोकेशन इज नोन एज लोकोमोशन। क्या बोला बच्चा मैंने यहां पे? एनी मूवमेंट दैट कॉज द चेंज इन द लोकेशन और द पोजिशन, any movement that causes the change in the location or the position is known as locomotion। तो मैं यहां locomotion की बात नहीं करूंगा, मैं यहां बातें करूंगा बेटा जी आपके यहां पे movement की।
कि उसके डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, जिसके द्वारा वो अपने डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह कैसे उसमें मूवमेंट होते हैं, हम उन मूवमेंट्स के बारे में यहां बातें करेंगे आपके साथ में, कैसे कैसे मूवमेंट होते हैं। हम सबसे पहले आज अपना यही टॉपिक पढ़ेंगे बेटा जी, फिर हम उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हम सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे बेटा जी, फोटोपेरिडिज्म। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम यहां बातें करेंगे बेटा जी, हाउ द फ्लोइंग पैटर्न इन ए प्लांट गेट अफेक्टेड बाय द ड्यूरेशन ऑफ द लाइट। वर्ड को समझ के देखिएगा, फोटो मतलब लाइट, पेरिडिज्म मतलब ड्यूरेशन, कि भाई प्लांट को आपने 4 घंटे के लिए लाइट दी, 8 घंटे के लिए लाइट दी, 10 घंटे के लिए लाइट दी और 12 घंटे के लिए लाइट दी, तो क्या क्या अफेक्ट आएंगे। तो मैं कहूंगा बेटा जी, ड्यूरेशन ऑफ द लाइट होगा ये प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करेगा, प्लांट की ग्रोथ का अफेक्ट नहीं करेगा, बट ये अफेक्ट करेगा फ्लोरिंग ऑफ द प्लांट को। बच्चा ये क्या अफेक्ट करेगा, यहां पे फ्लोरिंग ऑफ द प्लांट को अफेक्ट करेगा। तो कैसे, व्हाट हैपन इन द प्लांट दैट ड्यू टू द फोटोपेरिडिज्म द फ्लोरिंग पैटर्न गेट अफेक्टेड और द फ्लोरिंग ऑफ द प्लांट गेट अफेक्टेड, क्या हुआ कि फ्लोरिंग अफेक्ट होगी, वो बात हमें यहां समझनी पड़ेगी। हम इसके बारे में बातें करेंगे यहां पे, किसने डिस्कवरी की, किस प्लांट पे काम करके उसने ये डिस्कवर किया था यहां पे, और कैसे कैसे प्लांट होते हैं, चीज के भी यहां पे हम उन सब की बातें आपके साथ करेंगे। ठीक बात है, चलेगा। थर्ड होता है बेटा जी यहां पे आपका प्लांट हार्मोन। थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे बेटा जी यहां पे हम प्लांट हार्मोन, ये क्या है। हम कहेंगे देयर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द केमिकल्स that are synthesized within the plant at a particular position and they get translocated and affect the different physiological response. दोबारा सुन लो बात को, हम पढ़ेंगे प्लांट में डिफरेंट टाइप के केमिकल्स बनते हैं और वो नेचुरली उसमें बनते हैं, और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बनेंगे वहीं पे काम करेंगे, वो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू डिफरेंट प्लांट की बॉडी में क्या होंगे, वो ट्रांसलोकेटेड होंगे और अलग अलग जगह पे जाके वो अलग अलग फंक्शन को क्या करेंगे बेटा जी यहां पे परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स लेके आएंगे यहां पे। तो कैसे क्या वो हार्मोन और क्या क्या रेस्पॉन्स वो कंट्रोल करते, वो बातें हम यहां पे आपके साथ में डिटेल में करेंगे। मैं एक वर्ड और आपके लिए यूज कर देता हूं बेटा जी यहां पे, और वर्ड है बेटा जी यहां पे आपका फाइटो हार्मोन। आपको कंफ्यूज नहीं होना वर्ड के साथ में, फाइटो वर्ड का मतलब है प्लांट और हार्मोन का मतलब तो केमिकल मैसेंजर की बात हो रही, तो मैं कहूंगा डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिकल मैसेंजर दैट आर सिंथेसाइज विद इन द प्लांट आर नोन एज फाइटो हार्मोन्स। जो हम बातें करेंगे डिटेल में आपके साथ में क्या क्या बातें होंगी यहां पर। ठीक है, तो आप अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, टॉपिक की शुरुआत कहां से करते हैं बेटा जी यहां पर, प्लांट मूवमेंट से करते हैं। तो पॉइंट आता है सर, जो डिफरेंट टाइप के प्लांट के ऑर्गन्स है या स्ट्रक्चर है जो डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स को शो करते हैं, वो कैसे कैसे होते हैं या वो किस तरह उनको कैटेगराइज कर रखा है, उनका क्या मेन पॉइंट है, हम उनको समझ के देखते हैं। तो देखिएगा बेटा जी यहां पे मैं एक वर्ड लिखता हूं यहां पे, प्लांट डिफरेंट स्ट्रक्चर टिश्यू और ऑर्गन चेंज देयर स्ट्रक्चर एंड सो मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। आपको यह वर्ड तो अच्छे से पता है, स्टिमुलस क्या है, जो भी इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करे वो कोई भी चेंज क्या है बेटा जी यहां पे स्टिमुलस है। तो मैं कहूंगा स्टिमुलस के रिस्पांस में प्लांट के डिफरेंट स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव आएगा, उस बदलाव से वो मूवमेंट शो करेगा बेटा जी यहां पे आपका, और वो कैसे कैसे होगा उसकी बातें हम यहां पे करेंगे। तो मैं कहूंगा बेटा जी ब्रॉडली हम अगर मूवमेंट की बात करते हैं तो मैं उनको दो टाइप में डिवाइड करूंगा आपके बोर्ड के लिए बेटा जी, ये डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है, इसको आपको लिखना है अपने नोटबुक में अच्छे से, क्योंकि आपके बोर्ड में ये सीधा क्वेश्चन आता है डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट के व्यापक, तो इन दो मूवमेंट को आपको समझना है, इनके मैं डिफरेंस लिखाऊंगा आपको यहां पे जो आपको अच्छे समझने हैं।
क्या क्या है डिफरेंट टाइप के मूवमेंट, तो मैं कहूंगा एक मूवमेंट होता है बेटा जी ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा होता है बच्चा यहां पे नेस्टिक मूवमेंट। प्लांट में दो तरह के मूवमेंट होते हैं बेटा जी, एक मूवमेंट होता है ट्रॉपिक एंड दूसरा होता है बेटा नेस्टिक। प्लांट मेनली दो तरह के मूवमेंट शो करते हैं, मैं ब्रॉडली बड़ी कैटेगरी की बात करते हैं, दो तरह के मूवमेंट होते हैं। अब इन दोनों बेसिकली क्या डिफरेंस है या क्या क्या मूवमेंट है, तो मैं कहूंगा बेटा जी इन मूवमेंट के बारे में खास बात, अगर स्टिमुलस पोज कीजिएगा इस साइड से उसका डायरेक्शन स्टिमुलस का, स्टिमुलस ये प्लांट है, चलो हम लेट अस पोज करके चलते हैं, ये हमारा प्लांट है और मैं स्टिमुलस उसे इस साइड से दे रहा हूं, तो इस प्लांट का जो मूवमेंट होगा वो इस डायरेक्शन के इस डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस पे डिपेंड करता है, या तो वो इसके टुवर्ड रिस्पोंड करेगा या इससे अवे रिस्पोंड करेगा, बट डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द रिस्पॉन्स और द मूवमेंट विद इन द प्लांट। ये प्लांट कैसे मूव करेगा ये डिसाइड किया जाएगा बेटा जी यहां पे डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस से। तो अगर ऐसा कोई मूवमेंट है तो मैं कहूंगा वो है बेटा जी ट्रॉपिक मूवमेंट। बट जहां पे मूवमेंट इन द प्लांट स्ट्रक्चर और द बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ द स्टिमुलस, कहां से आया फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मुंह ऐसे ही करूंगा, चाहे आप इधर से दो चाहे आप इधर से दो चाहे इधर से दो कहीं से दो भाई, मैं तो मुंह एक ही तरीके से करूंगा यहां पे। तो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस से फर्क नहीं पड़ता इसके मूवमेंट पे, मैं कहूंगा ऐसा कोई मूवमेंट है तो वो क्या है बेटा जी यहां पे आपका नेस्टिक मूवमेंट। लिखे बेटा जी यहां पे, तो मैं कहूंगा बेटा जी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज डिटरमाइंड बाय डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ठीक बात है, यहां मैं क्या कहूं बेटा जी यहां पे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन, इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, वही ही वर्ड को लिखो डायरेक्शन, ये डिपेंडेंट है वो उससे कैसे बेटा जी यहां पे इंडिपेंडेंट है, पहला डिफरेंस जो आपने समझा। आगे क्या आता है, अब सर ये मूवमेंट होगा कैसे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, तो मैं कहूंगा दिस मूवमेंट ऑकर ड्यू टू द ग्रोथ, या तो वहां पे वो जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप को ग्रो करेगा और ग्रोथ की वजह से मूवमेंट होगा, ये वाला मैं कहूंगा ये ग्रो भी कर सकता है या फिर चेंज इन द टर्गर प्रेशर होगा, कैसे होगा डिटेल में बताऊंगा अपने बेटा को सब बातें यहां पे, बट फिलहाल सुनते जाओ बातों को यहां पे। ये मैंने कहा यहां पे ओकर ड्यू टू ग्रोथ, और यहां मैंने लिखा बेटा जी यहां पे ओकर ड्यू टू ग्रोथ और चेंज इन टर्गर प्रेशर। अब ये क्या होता है सब बातें करेंगे, आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, एग्जांपल ले लेके बताएंगे बातें कैसे यहां पे, बट फिलहाल पॉइंट को समझिएगा क्या है क्या नहीं, फिलहाल हम इन दो चीजों को समझ रहे हैं, ये सब चीजें आपके साथ यहां डिटेल में आएंगी, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहां पे। ओके, ये मूवमेंट कैसा होता है, मैं कहूंगा मेनली ये मूवमेंट जो होता है मेनली स्लो रेस्पॉन्स होती है, और ये मेनली फास्ट रेस्पॉन्स होती है, बट एक वर्ड को समझना, अगर यहां भी ग्रोथ की वजह से मूवमेंट होगा तो ये भी स्लो होगा, बट यहां पे जो मैक्सिमम जो मूवमेंट है वो ड्यू टू द चेंज इन द टर्गर प्रेशर होंगे, तो ये मेनली रेस्पॉन्स कैसी होती है बड़ी फास्ट होती है, जबकि ये रेस्पॉन्स जो होती है वो कैसी होती है क्वाइट यहां पर स्लो होती है।
तो पढ़ना शुरू करें टॉपिक को। यहाँ पे आपने दो बातें जानी बेटा जी, यहाँ पे अब हम इन चीजों के एग्जांपल्स के साथ बातें करेंगे क्या क्या है, क्या क्या बातें नहीं है यहाँ पे। चले चलिएगा बेटा, शुरू करते अपने टॉपिक को। हम बेटा जी आपको एक एक एग्जाम्पल डिटेल में लेके समझाते हैं चीजों को, ताकि चीजें क्लियर हो जाए, उनके फिर एग्जाम्पल्स देखेंगे यहाँ पे। तो हमने यहां पे अपनी हेडिंग डाली बेटा जी, ओके एक और वर्ड का बेटा जी, आपने बेटा हेडिंग डाली ट्रॉपिक मूवमेंट। तो इसको मैं क्या कहूंगा बेटा जी, द ग्रोथ ऑफ द डिफरेंट प्लांट बॉडी और द डिफरेंट प्लांट स्ट्रक्चर इज अफेक्टेड बाई द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस लाइक लाइट, वाटर, ग्रेविटी, टच, ऐसे डिफरेंट टाइप की चीजें जिनकी वजह से उसकी ग्रोथ पे अफेक्ट होता है। ग्रोथ पे जब अफेक्ट होगा तो उस ग्रोथ की वजह से वो क्या शो करेगा बेटा जी, यहां पर मूवमेंट शो करेगा। तो बातें लिखे बेटा जी यहां पे, डिफरेंट स्टिमुलस लाइक लाइट, वाटर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, टच और केमिकल, कोई केमिकल भी हो सकता है, अफेक्ट द ग्रोथ पैटर्न अफेक्ट द ग्रोथ और ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन ऑफ different plant structure or part and so different type of movement। ये बातें यहां पे होती है। अब अगला पार्ट बेटा जी, ये मूवमेंट में आपने एक वर्ड बोला था, ये हमेशा से डिसाइड होते हैं, डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट इज डिसाइड बाय द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। तो मैं कहूंगा ये दो तरह के रेस्पॉन्स हो करते हैं। तो मैं वर्ड लिख देता हूं यहां पे आप लोगों के लिए। मैंने वर्ड बोला बेटा जी यहां पे, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। And mainly are of two type, mainly of two type। कैसे कैसे two type का है? तो मैंने कहा बेटा जी, कि या तो वो कहलाएगा positive tropic movement, या कहलाएगा बेटा वो आपका यहां पे नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। अब इनका क्या मतलब सर, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पे ये चार्ज वाली बातें कहां से हो रही है, कैसी ये बात? तो मैं कहूंगा बेटा जी यहां बातें हैं, पॉजिटिव का मतलब है मूवमेंट टुवर्ड दिस स्टिमुलस, और यहां क्या लिखोगे बेटा जी, मोमेंट इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, अवे फ्रॉम स्टिमुलस। बस कहानी खत्म, कहानी खत्म हो गई बेटा। क्या बोला मैंने यहां पे, कि भाई ट्रॉपिक के मूवमेंट है ये ड्यू टू द ग्रोथ होंगे। अब सर ग्रोथ के पैटर्न को अफेक्ट कौन करेगा? मैंने कहा भाई कोई ना कोई तो स्टिमुलस होगा। आइदर वो स्टिमुलस क्या हो सकता है, लाइट हो सकती है,
वाटर हो सकता है, आपने कहा सर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी हो सकता है, हम बातें करेंगे यहाँ पे कोई केमिकल हो सकता है, कोई टच हो सकती है, कुछ भी यहाँ पे कोई मैकेनिकल चीज हो सकती है जो बेटा जी उसको यहाँ पे एक स्टिमुलस का काम करे, प्लांट की ग्रोथ का अफेक्ट करे, और उस ग्रोथ की वजह से प्लांट डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स को शो करेगा। अब आपने कहा सर डिफरेंट टाइप का क्या मतलब, मैं कहूंगा भाई डिफरेंट टाइप को मैं दो कैटेगरी में करूंगा यहाँ पे। जैसा कि आपने कहा था कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस पे, तो मैंने कहा सपोज कीजिएगा मैंने इस साइड से स्टिमुलस को अप्लाई किया और ये कोई प्लांट है, तो ये दो तरह के मूवमेंट शो करता है, या तो ये टुवार्ड द स्टिमुलस शो करेगा या फिर ये अवे फ्रॉम द स्टिमुलस शो करेगा रेस्पॉन्स को। मैंने क्या बोला टुवार्ड द रेस्पॉन्स, टुवार्ड द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, ये दो तरह के मूवमेंट शो करेगा। जहीं से भी स्टिमुलस आ रहा होगा या तो ये उसके साइड में मूव करेगा या फिर उससे अपोजिट साइड में मूव करेगा। तो दो तरह की बातें करते हैं बच्चा यहां पे, हम पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट और हमने बोला यहां पे नेगेटिव। तो मैंने कहा मूवमेंट टुवार्ड द स्टिमुलस, और अगर वो टुवार्ड द स्टिमुलस है तो वो क्या कहलाएगा पॉजिटिव मूवमेंट, और वो है अवे फ्रॉम द स्टिमुलस तो वो बन जाएगा बेटा जी आपका यहां पे नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर है पॉइंट यहां पे आपके लिए, क्लियर है? एग्जाम्पल उठा ले बेटा जी यहाँ पे, क्योंकि हमें अब यहाँ पे टॉपिक मोमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करनी है। शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, चलिएगा। एग्जाम्पल दीजिएगा सर इस बात के और हमें उसका मैकेनिज्म समझिएगा। तो मैं कहूंगा चलो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको उसका पूरा मैकेनिज्म समझाते हैं बेटा जी। मैंने उठा लिया एक टॉपिक, इसी के हम टाइप की बातें कर रहे हैं, मैंने एग्जाम्पल उठाया बेटा जी यहाँ पे फोटो ट्रोपिज्म। वर्ड को तोड़ दो, फोटो मतलब लाइट, जैसे कहते हैं ना फोटोसिंथेसिस, लाइट की परजेस में खाना बनाना फोटोसिंथेसिस, वैसे मैंने बोला फोटो ट्रोपिज्म। फोटो, फोटो मतलब लाइट, यहां पे जो स्टिमुलस है वो क्या है बेटा जी यहां पे लाइट। तो मैं कहूंगा प्लांट्स फॉर रेस्पॉन्स और द मूवमेंट, प्लांट्स फॉर मूवमेंट इन द रेस्पॉन्स ऑफ द लाइट स्टिमुलस। लाइट यहां पे स्टिमुलस है, उसकी रेस्पॉन्ड में प्लांट मूवमेंट शो करेगा। कैसे कैसे शो करेगा, दो प्रकार का शो करेगा, या तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म या फिर यहां पे नेगेटिव। वर्ड को समझो, चलिएगा। मैंने कहा बेटा जी प्लांट शो मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू लाइट, इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस लाइट। सर अब लाइट की वजह से कैसे, मैं कहूंगा भाई देखिएगा लाइट का पहले तो आपको डायरेक्शन फिक्स करना पड़ेगा, डायरेक्शन फिक्स करना पड़ेगा भाई वो इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है। तो अगर उसका डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा तो प्लांट कैसे मूव करेगा, हम उस वर्ड को समझते हैं। शुरू करें टॉपिक को यहां पर। तो अब मैं इसके दो टाइप की बात कर लेता हूं। तो आपने कहा सबसे पहले बेटा जी यहां पर पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, आपने एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल क्या करते हैं बेटा जी, कौन सो करता है पॉजिटिव, तो मैंने कहा बेटा जी सूट, और आप कह सकते हो स्टेम का जो मूवमेंट है वो कैसा होता है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म वाला मूवमेंट होता है। कैसे समझते हैं डिटेल में, चलिएगा मैं एग्जाम डायग्राम बना के आपको समझाता हूं बातों को। ये हमारा प्लांट, ये प्लांट की टिप है। तो आपने कहा सर ये हमारी टिप है प्लांट की, टिप ऑफ सूट, और हमने बेटा जी इस डायरेक्शन में लाइट को फिक्स कर दिया। मेरे वर्ड को ध्यान रखना, मैं लाइट के डायरेक्शन को फिक्स कर रहा हूं इस साइड में। तो सर क्या होगा, तो जरा वर्ड को समझिएगा। हमारे प्लांट के अंदर बेटा जी एक केमिकल बनता है, एक हार्मोन बनता है, जो कि सबसे पहले डिस्कवर हार्मोन, उस हार्मोन का नाम होता है ऑक्सिन। इट इज द फर्स्ट हार्मोन दैट इज डिस्कवर्ड, पहला प्लांट में कोई हार्मोन डिस्कवर, उसका नाम क्या था बेटा जी ऑक्सिन। वो इसे कंट्रोल करता है, कैसे बेटा जी देखिएगा, वो हार्मोन हमेशा सिंथेसाइज होता है बेटा जी यहां पे टिप पे, और उसका ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपने कहा सर यहां पे ये हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सिन, जो टिप पे बैठा हुआ है। ऑक्सिन वर्ड का मतलब ही होता है टू ग्रो, ऑक्सिन एक लैटिन भाषा का वर्ड है बेटा जी, इस वर्ड का मतलब होता है टू ग्रो। तो आपने कहा सर ये प्लांट की टिप की क्या कराता है यहां पे, ग्रोथ कराता है। बट ऑक्सिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट था, आपने एक साइड से उसे क्या दी लाइट दी। अब ऑक्सिन की एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है बेटा जी यहां पे, ऑक्सिन सो फोटो ऑक्सीडेशन,
यही इंपॉर्टेंट वर्ड है, समझ में लेना है बेटा जी आपको यहां पे, फोटो ऑक्सीडेशन। क्या समझे वर्ड को? सर लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन हो जाता है। लाइट की प्रेजेंस में जब हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ रही है तो इन दैट कंडीशन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द हाई इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। तो क्या होगा जरा सोचिएगा सर, जब ये अगर एक ही डायरेक्शन से लाइट आ रही है तो मैं कहूंगा इस साइड का बेटा सारा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा यहां पर ब्रेकडाउन हो जाएगा। देखिएगा बेटा जी यहां पर कहानी को सर, अब अगली कंडीशन कुछ इस तरह की बनी कि ये हमारा जो ऑक्सीजन था अब उसका इस साइड का हो गया फोटो ऑक्सीडेशन और ये वाली जो साइड है स्टिल कंटेन ऑक्सीजन। आपने ऐसा कह रहे थे ये हमारा यहां पे लाइट है। तो आपको एक बात बार बार मैं बोल रहा हूं, उस बात को आपको समझना है, यूनिलैटरल लाइट। अगर प्लांट को यूनिलैटरल लाइट मिली तो ही ऐसा मूवमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि सर सुबह तो लाइट इधर है शाम को लाइट इधर है तो किधर मूव करेगा? ओ मेरे भाई, फिर वो मूव नहीं करेगा, फिर वो सीधा ग्रो करेगा। रीजन क्योंकि भाई कभी यहां तो कभी यहां, तो बरोबर की बात चलती रहेगी। यहां पर आपको पॉइंट समझना है, यूनिलैटरल लाइट हम लाइट का डायरेक्शन फिक्स कर देते हैं कि हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं और मैं एक ही साइड से लाइट को पास कर रहा हूं एक ही साइड से, तो प्लांट कैसे रेस्पॉन्ड करता है मैं उसको यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पॉइंट को बार बार बोल रहा हूं, ये मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए यहां पे कि सर लाइट यहां तो यहां। मैंने कहा देखो लाइट चेंज कर दोगे मोमेंट चेंज हो जाएगा, आपको डायरेक्शन क्या रखना है यहां पे फिक्स रखना है, तभी सारी घटना घटित होगी बेटा जी। ये रेस्पॉन्ड बड़ा ही स्लो है, ऐसा नहीं कि आपने अब सुबह लाइट दी दोपहर तक आ गया इफेक्ट, नहीं। मैंने शुरू में बोला है ये रेस्पॉन्स कैसा है बच्चा यहां पर स्लो है बेटा, ये रेस्पॉन्स कैसा है स्लो है, तो स्लो तरीके से समझो इस बात को यहां पर। तो आपने कहा सर ये हो गया, तो मैं कहूंगा भाई इसका मतलब ये है अब ऑक्सीजन जनाब जो है वो एक ही साइड में बच गई और उस साइड में नहीं है, तो सोचो क्या होगा सर। यहां पे अगर ऑक्सीजन वो केमिकल बैठा है, ये एक हार्मोन है, ये एक स्टिमुलस है, तो सर ये इस साइड की ग्रोथ ज्यादा करा देगा, इस साइड की ग्रोथ कैसी होगी कम होगी। तो देखिएगा अगला डायग्राम क्या बनता है, इस वाले साइड की ग्रोथ हो गई ज्यादा और आपने कहा सर ये वाला जो साइड है उसकी ग्रोथ है कम, तो क्या होगा ये टिल्टेड हो जाएगा थोड़ा सा। डायग्राम और सही कर देते हैं, तो क्या समझ में आया यहां पे प्रियांशु क्या दिखाई दे इस डायग्राम में? सर यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है तो यहां पे ग्रोथ ज्यादा हो रही है और इस वाले पार्ट में सर ऑक्सीजन नहीं है, यहां ग्रोथ कम हो रही है जिसकी वजह से ये बेंड हो गया। तो मैंने शुरू में आपसे कहा था डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस, डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस डिसाइड द मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट को डिसाइड कौन करेगा, डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस डिसाइड करेगा। सोच के देखो अगर यही लाइट को मैंने उठा के अगर उस साइड में रखा होता तो ये उस साइड में बेंड हो जाता, तो डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है बेटा जी यहां पे डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस डिसाइड कर रहा है। वर्ड को समझना है आप लोगों को मैं क्या समझा रहा हूं यहां पर, ठीक बात है। सेकेंड बात बेटा जी, ये प्लांट की बेंडिंग हो गई टूवर्ड द लाइट, द स्टेम गेट बेंड टूवर्ड द स्टिमुलस दैट इज द लाइट। तो मैं कहूंगा ये उसकी साइड में बेंड कर रही है, उसी की साइड में मूव कर रही है, तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो आप कहोगे सर पॉजिटिव है ये। वर्ड समझ में आ गया? तो मैंने बोला बेटा जी यहां पे प्लांट स्टेम गेट बेंड टूवर्ड लाइट, अब मैं एक लाइन बोलूंगा उस लाइन को समझना है। प्लांट हार्मोन में और एनिमल हार्मोन में डिफरेंस है, अब ये नहीं है आपने जो एनिमल के साथ पढ़ा है वही सेम बात प्लांट पे लागू होती है, प्लांट के बारे में खास बात है। प्लांट के हार्मोन का अफेक्ट विद द टारगेट साइट के साथ में चेंज हो जाता है एंड द ऑप्टिमम कंसेंट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर्स के लिए अलग अलग है। मेरे वर्ड को अच्छे सुनना समझना, बिकॉज अब जो मैं समझाने जा रहा हूं ये आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा बट नहीं करेगा अगर मेरी बात को आप समझ लोगे। तो क्या समझना है, एनिमल के हॉर्मोन में जैसे आपने कहा थायरोक्सिन निकला
तो मेरी बॉडी में किसी भी रीजन में जाएगा, उसका रिस्पॉन्ड हर रीजन में सेम होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसकी एक ऑप्टिमम कंसेंट्रेशन जो मेरी बॉडी को प्रॉपरली चाहिए काम करने के लिए, वो कंसेंट्रेशन डिफरेंट पार्ट के लिए सेम है विद द रीजन, वो ऑप्टिमम कंसेंट्रेशन चेंज कभी नहीं होती। बट आप ये बात स्टार करके लिख लो बेटा जी यहां पे, वैसे मैं प्लांट हार्मोन पढ़ाऊंगा ये बातें, बट फिलहाल जान लो यहां पे, प्लांट हार्मोन ऑप्टिमम कंसेंट्रेशन डिपेंड अपॉन प्लांट स्ट्रक्चर इन विच हार्मोन परफॉर्म इट्स एक्शन। जैसे सूट के ऊपर आपने कहा कि सर यहां पे कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो सूट की ग्रोथ हो रही है, मतलब सूट को ग्रो करने के लिए हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन चाहिए, यही बात रूट पे लागू नहीं होती। रूट पे ये कहानी कैसी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो ये अब क्यों है, मैं कहूंगा ये एक सेल का उस केमिकल के प्रति रिस्पॉन्ड है। अब आप इस वर्ड को कंफ्यूज क्यों नहीं करना है, आप ये कहते हो सर सब कुछ तो जायगोट से बना है, उसी जायगोट ने अपने आप को डिवाइड किया और पूरी प्लांट बॉडी को बनाया, एंड उस टाइम पे आपने एक वर्ड बोला स्टिमुलस, उस पर एक वर्ड बोला आपने सेल डिफरेंशिएशन, कि सबकी सब जो सेल है बेटा जी दे गेट डिफरेंशिएटेड, उसी एक जायगोट से ही जो डिफरेंट टाइप की सेल्स बनी है उनका डिफरेंशिएशन अलग अलग हुआ है। तो कैसे अलग अलग हुआ है, कोई तो स्टेम बन गया, कोई रूट बन गया सर, कोई यहां पे एपिडर्मिस है तो कोई कॉर्टेक्स है, सब अलग अलग, बट सब सेल पैदा किससे हुई है, एक जायगोट से हुई है। फिर ये सब अलग अलग क्यों है, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है, सबका फंक्शन अलग अलग, मैं कहूंगा बिकॉज ऑफ द सेल डिफरेंशिएशन। एक सेल के पास डीएनए होते हैं, डीएनए में जीन होते हैं, जीन का जो नंबर है बहुत ही ज्यादा होता है, एक सेल में सारे जीन एक्सप्रेस नहीं करते, तो सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिपेंड अपॉन द जीन एक्सप्रेशन। तो जीन रेगुलेट करता है बेटा जी यहां पे एक सेल के डिफरेंशिएशन को, उस डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग उसका रिस्पॉन्स डिसाइड होता है टुवर्ड ए पर्टिकुलर स्टिमुलस। तो एक सेल का रिस्पॉन्ड टुवर्ड द स्टिमुलस वेरी करता है प्लांट की बॉडी में। हमने जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखे तो हमने क्या पाया, प्लांट की एक सेल जो एक फाइटो हार्मोन या केमिकल के प्रति रिस्पॉन्ड कर रही है तो उसका रिस्पॉन्ड अलग अलग है, इट डिपेंड कि वो सेल कहां की है, वो रूट की है या वो सूट की है। जैसे कि मैंने वर्ड बोला ऑक्सिन, ऑक्सिन रिक्वायर्ड इन हाई अमाउंट फॉर द सूट सेल फॉर देयर ग्रोथ, बट रूट सेल को कैसा चाहिए, यहां पे आपका लो अमाउंट में चाहिए, मतलब सूट टिप के ऊपर ऑक्सीजन हमेशा कंसेंट्रेशन में ज्यादा होता है जबकि रूट टिप के ऊपर वो कैसा होता है बेटा जी, लो होता है। मैं लिख देता हूं इस बात को बेटा जी, यहां पे ऑक्सीजन एट हाई कंसेंट्रेशन कॉज ग्रोथ इन प्लांट सूट, बट इन रूट इट कॉज ग्रोथ एट लो कंसेंट्रेशन एंड इनहिबिट ग्रोथ, इनहिबिट ग्रोथ एट हाई कंसेंट्रेशन। ये पॉइंट आपको समझना है, ये ऑक्सिन हार्मोन का डिफरेंट पार्ट के साथ उसका एक्शन कैसा है बेटा जी, यहां पे अलग अलग है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बात समझने के बाद अब मैंने आपको ये बात समझाई, ये समझ में आई है कि नहीं आई आपको बेटा जी, ऑक्सिन एक हार्मोन है जो प्लांट के अंदर सिंथेसाइज होता है। कहां सिंथेसाइज होता है, टिप पे सिंथेसाइज होता है। वो टिप क्या है, मे बी वो कोई स्टेम की टिप है, मे बी बेटा जी वो कोई मेन प्लांट की मेन जो स्टेम है उसकी टिप है, मे बी वो किसी रूट की टिप है, किसी की भी टिप हो, टिप के ऊपर सिंथेसाइज होता है बेटा जी ऑक्सिन, टिप पे सिंथेसाइज होता है ऑक्सिन, बट इसका रिस्पॉन्ड डिफरेंट पार्ट में अलग अलग है। सूट को स्टेम को ग्रो होने के लिए हाई कंसेंट्रेशन चाहिए किसके, यहां पे ऑक्सिन की, और लो कंसेंट्रेशन चाहिए बेटा जी यहां पे रूट की टिप को। रूट के ऊपर अगर आपने कंसेंट्रेशन हाई कर दी तो क्या होगा, रूट की ग्रोथ ही रुक जाएगी,
रूट की ग्रोथ रुक जाएगी। तो मैंने यहां पे जो वर्ड समझाए उन वर्ड्स को समझो, बिकॉज हाई कंसेंट्रेशन फेवर दी ग्रोथ इन द केस ऑफ द सूट। तो मैं कहूंगा यहां की ग्रोथ ज्यादा हो रही है, रूट होती तो कुछ कहानी अलग होती है, यहां पे रूट होती तो कहानी कुछ अलग होती। कैसे अलग होती बातें कर लेते हैं अभी आपके साथ में यहां पे। ये समझ में आया बेटा जी? ये एग्जाम्पल किसका है? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का है। आई होप क्लियर हो गई होगी बातें आपको। चलिएगा अब कहानी को चेंज करते हैं, कहानी को चेंज करते हैं। और मैं कहानी में लेके आता हूं बेटा जी छोटा सा ट्विस्ट, ट्विस्ट नहीं सेकंड पार्ट है ये हमारा। चलो कलर यूज कर लेते हैं आप लोगों के लिए, चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वैसे मेरे बेटा लोगों। नेगेटिव फोटो ट्रोपिज्म, नेगेटिव फोटो ट्रोपिज्म मतलब बेंडिंग ऑफ प्लांट रूट अवे फ्रॉम लाइट। अवे जा रही है, दूर जा रही है, तो ग्रोथ कैसी होगी? नेगेटिव होगी। सेम एग्जाम्पल है, सेम कहानी, कोई ट्विस्ट नहीं है। समझो ये मैं नीचे एक साइड बना देता हूं बेटा जी, ताकि आपके लिए ऊपर सूट थी नीचे रूट है। तो मैंने कह दिया ये है बेटा जी रूट की टिप, और सर इसके ऊपर ये हमारा ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूटर, और हमने इस रूट को निकाल के ऊपर ले आए एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम उसके ऊपर लाइट को पास करेंगे कि इसके ऊपर लाइट का कैसा इफेक्ट है। तो हमने क्या देखा, सपोज कीजिएगा मैं यहां पे एक साइड से लाइट को पास करता हूं, क्या होगा? सेम कहानी होगी जो आपने अभी पढ़ी थी बेटा जी, फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ लाइट, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ लाइट। तो क्या हो गया सर? कुछ इस तरह के हालात आपने बना दिए कि अब ऑक्सीजन सिर्फ एक साइड में है और इस साइड वाला सारा का सारा ऑक्सीजन क्या हो गया? डिग्रेड हो गया। एक साइड में ऑक्सीजन क्या हो गया? कंसंट्रेटेड हो गया। अभी मैंने दो मिनट पहले इसलिए आपको बात समझाई थी, ऑक्सीजन का इफेक्ट रूट में उल्टा होता है। मतलब अब ये हाई कंसेंट्रेशन पे ग्रोथ को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, और लो कंसेंट्रेशन जहां पे वो नहीं है वहां पे ग्रोथ कैसी होगी? ज्यादा होगी। देखो देखो मैंने कहा ये हाई कंसेंट्रेशन पे इनहिबिट करता है ग्रोथ को इन द रूट, तो यहां पे ग्रोथ इनहिबिट होगी बट ये तो ग्रो करेगा। तो क्या होगा बेटा जी? आप कहोगे सर अगला डायग्राम बनेगा, थोड़ा बेंडिंग कर देना अच्छे से, ये हमारी जो रूट की टिप है इसकी बेंडिंग अवे साइड में हुई है, दूसरी साइड में हुई है। रीजन क्या है भाई? यहां पे ये बैठा तो यहां पे ग्रोथ कम हो रही है, यहां पे ग्रोथ ज्यादा हो रही है। तो क्या कहोगे मेरे भाई? सर कुछ ऐसा हो गया, ये वाला पार्ट ज्यादा ग्रो कर गया और ये वाला पार्ट कम ग्रो कर गया। तो आपको दिखाई देगा सर ये वाले पार्ट की कम ग्रोथ, इस वाले की ज्यादा ग्रोथ, ये कैसा हो गया? अवे की साइड में शिफ्ट हो गया, सूरज से दूर चला गया। तो मैं कहूंगा ये अवे फ्रॉम द लाइट है। तो ऐसी कहानी क्या होगी बेटा जी? यहां पे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म की होगी। तो मैंने आपको दो बातें समझाई बेटा जी यहां पे, ट्रॉपिक मूवमेंट इट ओकर ड्यू टू द ग्रोथ, दिखा रहा हूं आपको ग्रोथ की वजह से हो रहा है। दूसरी बात मैंने आपको यहां क्लियर कर दी, डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस क्लियर होनी चाहिए। अब मैंने कहा स्टिमुलस जो होगा वैसा ही उसका रिस्पोंड होगा। यहां पे मैंने स्टिमुलस को लिया है बेटा जी लाइट, तो कहानी बन गई बेटा जी फोटोट्रोपिज्म की।
मैंने एग्जांपल लिया स्टेम का और रूट का कि एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, एक टुवार्ड द स्टिमुलस है तो एक अवे फ्रॉम द स्टिमुलस है। कहानी आपके पास क्लियर होनी चाहिए। आपके एनसीईआरटी बुक में, आपके सिलेबस में इसकी कोई कहानी नहीं है, सिर्फ ये नाम नाम लिखा है। आपके बोर्ड में, टेंथ क्लास के बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, तीन नंबर का आएगा कि फोटोट्रोपिज्म शो करो। तो मेरे बेटे, मैंने रिक्वेस्ट है ये आप लोगों से, ये सिर्फ आपका सेक ऑफ द नॉलेज पढ़ाया है, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर इसको नहीं समझाता तो कब बच्चे कहते सर रूट कैसे नेगेटिव शो करता है, तो मुझे समझाना जरूरी था आप लोगों के लिए, ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना आए समझने में यहाँ पे, बट आपको इस वाली चीजों को अच्छे समझना है। बिकॉज ये आपके सिलेबस की बातें हैं, आपको समझना है, पेपर में आएगा तीन नंबर में, तो आपको करके भी दिखाना है वहां पे, आपको डायग्राम साथ में यहाँ पे, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। बट ये जानना बुरी बात नहीं, आपको सीखने को मिल गया नेगेटिव है, क्यों है नेगेटिव, बातें मैंने आपको क्लियर की यहाँ पे। आई होप बातें क्लियर है, और बातें शुरू करा भी यहाँ पे। ये मैंने पूरा मैकेनिज्म आपको समझा दिया जो कि बातें थी बेटा जी। सर अब और भी कोई मूवमेंट है, मैं कहूंगा हाँ बेटा जी, अब मैं लिखूंगा टाइप ऑफ मूवमेंट्स के नाम विद एग्जांपल जो आपको समझने हैं। सेकंड आता है बेटा जी यहां पे हाइड्रोट्रोपिज्म। अब देखो बेटा, मैंने यहां पे वर्ड क्या लगा दिया, वाटर, हाइड्रो मतलब पानी, तो आप क्या कहोगे सर रिस्पॉन्ड ऑफ द या मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स ऑफ द वॉटर, तो मैं कह दूंगा बेटा जी मूवमेंट इन रिस्पॉन्स ऑफ वॉटर। फिर दो बातें आती हैं, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो याद रखना है बेटा जी, स्टेम सॉरी रूट हमेशा पानी की तरफ ग्रो होती है, ताकि वो मैक्सिमम वॉटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट बॉडी को दे सके यहां पे, और जो भी आपकी स्टेम होती है वो शो करती है बेटा जी यहां पे नेगेटिव। आपको एग्जाम्पल सबके याद होनी चाहिए, कहानी रिवर्स हो गई है। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म यहां लिख देते हैं चलो आपके लिए, ताकि चीजें क्लियर है। पॉजिटिव कौन थी बेटा जी यहां पे स्टेम थी, और नेगेटिव कौन थी बेटा जी यहां पे रूट थी। अब कहानी मैंने उल्टी कर दी है, चलिएगा। अगला आता है बेटा जी ग्रेविटी, ग्रेवोट्रोपिज्म। Due to gravity, ये फिर दो बातें होती हैं सर, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैं कहूंगा बेटा पॉजिटिव होता है रूट हमेशा नीचे की साइड में ग्रो हो रही है, जबकि जो आपकी स्टेम है बेटा जी वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ठीक बात है। डी हमने बोला बेटा जी यहां पे आपका कीमोट्रोपिज्म, तो आप कहोगे ड्यू टू केमिकल, और उसका एक ही एग्जाम्पल है और पॉजिटिव एग्जाम्पल है, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म का एक ही एग्जाम्पल है ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब। चलो बना के दिखाते हैं आपको। आपने कहा सर हमने छोटी क्लास में पढ़ा है ऐसे फीमेल का पार्ट होता है पिस्टिल। सर यहां पे ओव्यूल लगा हुआ है, हमने कहा ये ओव्यूल है, ये प्लांट की ओवरी है, ये उसकी स्टाइल है, और ये बेटा स्टिग्मा है। आपने कहा सर यहां पे पोलन ग्रेन आके गिरा, और पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब को बनाता है, और वो पोलन ट्यूब ऐसे बनती हुई नीचे जा रही है। अब पॉइंट आता है ये पोलन ट्यूब नीचे ग्रो क्यों कर रही है, बिकॉज यहां पे लगातार एक केमिकल की ग्रेडियंट होता है, कैल्शियम, इनोसिटोल, बोरोन, ये डिफरेंट टाइप के केमिकल्स है जो बेटा जी यहां पे इसकी ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो ये सब बातें पढ़ाऊंगा इन द केस ऑफ द रिप्रोडक्शन चैप्टर, बट फिलहाल आपको सिर्फ जानना है यहां पर आपका। तो मैं कहूंगा बेटा जिसका एग्जाम्पल है पोलन ट्यूब ग्रोथ, पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द कीमोट्रोपिज्म। ठीक बात है। अगला आता है बेटा जी यहां पे थर्मोट्रोपिज्म,
थिग्मोट्रोपिज्म। अब ये क्या है तो मैं कहूंगा बेटा जी ड्यू टू टच, टच की वजह से प्लांट मूवमेंट शो करता है। कैसे? तो आप कहोगे सर पी का जो प्लांट है उसके टेंड्रिकल है वो ऐसे कोयला पॉ के ऊपर चढ़ रहा है, कैसे कोयला पॉ होता है, तो उसकी बातें करेंगे। तो मैं कहूंगा बेटा जी यहां पे टेंड्रिल्स क्लाइंबिंग कैसे होते हैं समझा देता हूं आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में यहां पे, बट ये हो गया क्योंकि ये भी आपके लिए बोर्ड के लिए क्वेश्चन जरूरी है, इसको समझना यहां पे बोर्ड में आ जाता है यहां पे, तो मैं इसकी बात भी आपके साथ कर लेता हूं यहां पे। ये एग्जांपल आपको मैंने पांच तरह के मूवमेंट समझाए जो सबके सब कैसे मूवमेंट है बेटा जी यहां पे ट्रॉपिक मूवमेंट है। चलिएगा थोड़ा सा आपको इनके बारे में बता देते हैं, पूछेगा नहीं आपसे बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज आपको कुछ बातें समझा देते हैं, ज्यादा पढ़ाने का बेटा जी टाइम नहीं है बट चलिएगा थोड़ा सा हम चीजों को टैकल कर लेते हैं क्या होता है। देखो बेटा जी ये हमारी मेन कोई चीज है, कोई लकड़ी हो सकती है, कोई स्टेम हो सकती है, कोई भी स्पोर्ट जिसके सारे वो ऊपर चढ़ेगा। अब जरा सबसे पहले वर्ड को समझिएगा, वो फिलहाल ऐसे बैठी हुई है उसकी टिप, उसकी टिप ऐसे बैठी हुई। तो सबसे पहले क्या होता है यहां पर सर, वही सेम बातें करते हैं, यहां पर ऑक्सीजन का हॉर्मोन है और ये सर उसकी टिप को रेगुलेट करता है। मैंने कहा ठीक है टिप को रेगुलेट करता है ग्रोथ को, ये हमेशा बेटा जी टच से अवे जाता है, टच से अवे होगा। इसका रेस्पॉन्ड कैसा है? अवे फ्रॉम द टच। अब ये रेस्पॉन्ड कैसा है सोचिएगा, मैं जरा इस तरह की बातें यहां पे समझाता हूं, वही सेम बातें, कुछ भी नई बात नहीं बताऊंगा। ये अगर आपका ऑक्सीजन है इस साइड से वो आपकी मेन स्टेम के साथ यहां पे डॉटेड बना देते, ये वो कोई स्पोर्ट इसके साथ वो बेटा जी अपने आप को ग्रो कर रहा है। तो मुझे बताओ एक बार के लिए, अगर बेटा जी यहां से ये ऑक्सीजन सारा का सारा अवे हो जाएगा, ये मूव करके इस साइड में आ जाएगा, मैंने ये नहीं कहा कि ऑक्सीडेशन हो जाता है, मैंने कहा ये मूव अवे फ्रॉम द टच, ये टच से दूर चला जाता है। तो मैं कहूंगा अगर सारा का सारा ऑक्सीजन मेरा इस साइड में आ गया तो क्या होगा बेटा जी, यहां पे इस साइड की ग्रोथ ज्यादा होगी, इस साइड की ग्रोथ क्या होगी कम होगी, तो क्या दिखाई देगा सर ये ऐसे बेंड कर जाएगा। अब ये वाला पार्ट आ गया इसके टच में, सर फिर से अभी आएगा तो ये यूं ग्रो कर जाएगा। तो मैं कहूंगा इस तरह से इसकी कॉइलिंग होगी अराउंड द टच। देखिएगा बेटा जी यहां पे ये मेरा कोई मेन स्पोर्ट है, इसके साथ बेटा जी ये मेरा यहां पे कोई मेन टेंडर लगा हुआ है, फिलहाल ये मेरा टच वाला साइड है, ये टच के साइड से ऑक्सीजन अवे आ गया, तो क्या दिखाई देगा सर इस साइड में ग्रोथ ज्यादा होगी, तो ये हिस्सा ग्रो कर गया, ये हिस्सा ग्रो नहीं कर रहा है सर, ये हिस्सा ग्रो कर रहा है, ये हिस्सा ग्रो नहीं कर रहा है सर, ये हिस्सा ग्रो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है, ये नहीं कर रहा। इस तरह से ऐसे कॉइल अप होता जाएगा बेटा, कॉइलिंग होते होते क्या होगा बेटा जिसकी यहाँ पे ग्रोथ होगी। तो मैं कहूंगी ये जो टेंडिकल का मूवमेंट है ये टच की वजह से बेटा जी यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है, और टच यहाँ पे क्या है बेटा जी स्टिमुलस है, तो इट इज द टेंडिल मूवमेंट जिसको आपको डिफाइन करना है। ये टच से ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे ग्रोथ रेगुलेट हो रही है, इट्स ऑल अबाउट द ट्रॉपिक मूवमेंट। अगला जो मूवमेंट है उसका नाम बेटा जी नेस्टिंग मूवमेंट, बट लेक्चर को काफी बड़ा नहीं करेंगे, आपके लिए छोटा रखेंगे इस लेक्चर को। तो मैं सिर्फ यहां बात की है बेटा जी अबाउट द ट्रॉपिक मूवमेंट, आई होप आपको चीज क्लियर हुई होगी। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं बेटा जी, पेपर में आपके लिए आ जाए टेंडल मूवमेंट तो उसको समझा देना, और अगर पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म आ जाए तो उसको समझा, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको ध्यान नहीं देना। बाकी और जो ट्रोपिज्म मैंने आपको बताया बेटा जी वो जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको समझने हैं कि हाँ कुछ टाइप के मूवमेंट है यहाँ पे, डिटेल में कोई आपसे नहीं पूछने वाला है यहाँ पे, चलेगा। इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब हमारा टेस्ट पास आ गया है तो बस अपना सिलेबस भी अब खत्म होने को जा रहा है, मूवमेंट को हम खत्म कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे, फिर अपना यहाँ पे फोटोट्रोपिज्म खत्म हो जाए, मतलब छोटे से टॉपिक का, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं यहाँ पे, जल्दी अपना बेटा जी चैप्टर अब खत्म होने वाला, आपको एक या दो दिन में रिविजन के लिए निकालेंगे अपने लोगों के लिए। ठीक है चलेगा बेटा, थैंक यू।